फोटोशॉप के अंदर इस तरह का रोड के ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं सिंपल और इजी तरीके से, ये मैं आपको बताऊंगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं रोड के ऊपर यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे एक बंदा जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करेंगे, वो भी फोटोशॉप 7.0 के अंदर। तो आपके पास फोटोशॉप का जो भी वर्सन हो, चाहे वो लेटेस्ट वर्सन हो चाहे पुराना वर्सन हो, किसी में भी आप कर सकते हैं जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। अब स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करना है। तो यहां पे आप देखें, आप नॉर्मल से देखिए, सिंपल सा एक फ़ोटो है और यहां पे जो रोड है, रोड का ये हिस्सा देखिए खाली है। अब करना क्या है, और ये जो फ़ोटो मैंने लिया है unsplash.com से लिया हुआ, इस तरह का फ़ोटो मिल जाएगा, ईज़िली ढूंढिएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब करना क्या, आपको यहाँ पे टूल बॉक्स में जाना है और ये जो है आपका यहाँ पे फोरग्राउंड कलर मैंने वाइट रखा हुआ है, टाइप टूल पे आपको क्लिक करना है और ठीक ये जो खाली जगह है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉन्ट मैंने ले रखा है, देखिए थोड़ा सा थिक फॉन्ट लूँगा, मोटा फॉन्ट, तो मैंने फॉन्ट लिया एरियल और यहाँ से मैंने कर दिया एरियल को ब्लैक कर दिया। अब यहाँ से साइज हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पे 72 ले लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैप्स लॉक ऑन करके GAUTAM गौतम लिख दिया। अब चूंकि देखिए मैं टेक्स्ट जो है बहुत छोटा है, तो इसको थोड़ा सा स्केलिंग करेंगे, तो कंट्रोल टी के साथ हम लोग इसको स्केलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर फोटोशॉप 7 यूज़ कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे देखिए शो बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेक करें तो इस तरह से स्केलिंग का बटन आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट को थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर लेते हैं, हम लोग स्केल कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से स्केल कर लिया। उसके बाद यहाँ से इसको अप्लाई कर देते हैं। अब टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब ये तो टेक्स्ट हो गया। अब टेक्स्ट को क्या है, थोड़ा सा घुमाना होगा हमें। तो कैसे घुमाएंगे इसको, तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं एडिट में। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है, अब यहाँ पर नीचे आइएगा, देखिए 90°CCW है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो टेक्स्ट कुछ इस तरह से देखिए घूम जाएगा, देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, ठीक यहाँ पे जो ये जो जगह है यहाँ पे लगाते हैं। अब थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं यहाँ से ठीक इसके पैर के पास से इस तरह से, जैसे स्टार्ट हो टेक्स्ट, इस तरह से लगा देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। लगाने के बाद अब क्या करना है, इसको मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। लग गया भैया टेक्स्ट, अब ये तो हो गया। अब लेयर का पैलेट में जाएंगे और जिस लेयर पर आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखना है और राइट क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रेस्टराइज लेयर्स, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एडिट मेनू में जाना है, उसके बाद यहाँ ट्रांसफॉर्म में आइएगा। यहाँ पे देखिए पर्सपेक्टिव बोल के ऑप्शन दिया हुआ है, पर्सपेक्टिव पे क्लिक करें। क्लिक करने के साथ देखिएगा कॉर्नर में यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा है। अब इसको अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल की दबा के इसको अगर मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा, ये देखिए इस तरह से मैं ड्रैग किया, ठीक कंट्रोल की दबा के आप अगर ड्रैग कीजिएगा तो दोनों तरफ से इस तरह से इक्वली देखिए इस तरह से मेरा टेक्स्ट देख सकते हैं इस तरह से बढ़ रहा है। ये वाला है कंट्रोल की दबा के रखना है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल की मैंने दबाया, सिंपल सा इस तरह से कंट्रोल की के साथ इस तरह से इफेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल की के साथ अब इस तरह से दबा देना है, ये देखिए हो गया। हो जाने के बाद अब करना क्या है, थोड़ा सा आप चाहें तो इसको एडजस्ट इस तरह से कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू द आपका डिज़ाइन जो रहेगा फोटो रहेगा उसको कर लेना है। अगर एक को करना है तो इस तरह से एक पकड़ के कीजिएगा तो एक तरफ का हिस्सा ही सिर्फ आप उसको पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ चूंकि इक्वली आपको सेट करना है तो कंट्रोल की के साथ कीबोर्ड में देखिए कंट्रोल की है तो देख सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे कंट्रोल की दबा के रखिएगा तो इक्वली इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। हो जाने के बाद यहाँ हम लोग अप्लाई कर देते हैं, ये अप्लाई कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे और अगर कुछ काम करना है, इसको और अच्छा करना है, तो एक काम और कर सकते हैं, जिस लेयर पे आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखें, राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरह का लेयर स्टाइल का एक पैलेट खुलता है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन लेयर दिया हुआ है और यहाँ भी है, देखिए बटन यहाँ भी है। अब कीबोर्ड से ऑल्ट दबाइए, हल्का सा अगर मैं इसको इधर ड्रैग करूँगा तो हल्का सा आपको इस तरह से इफेक्ट आपको नज़र आएगा, देख सकते हैं हल्का सा रोड का इफेक्ट आपको यहाँ पे इसका छाप नज़र आएगा, देख सकते हैं इस तरह से ब्लेंड होता हुआ नज़र आएगा। अब ओके पे आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पे देखिए वो इफेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिंपल तरीके से आप भी इस तरह का इफेक्ट रोड पे टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।